हाँ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके अपना दर्श दिखाओ, आके दर्श दिखाओ। हाँ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, हाँ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके अपना दर्श दिखाओ, अपने भक्तों से अपने शिष्यों से कभी दूर होते नहीं, रत्ती भर भी नहीं, क्षण भर भी नहीं, बस उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा, उनकी कृपा की अनुभूति का एहसास करने की आवश्यकता है। सदगुरु कई बार अपने शिष्यों से रूठ जाते हैं, वो उनका रूठना भी शिष्य के कल्याण के लिए, उसकी उन्नति, उसके भीतर की खामियों को दूर करने के लिए कई बार गुरुदेव, जैसे कई बार माँ अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए उससे थप्पड़ भी लगा देती है, कई बार उसे भोजन नहीं देती, कई बार उससे बात नहीं करती, पर इसका मतलब नहीं कि माँ निष्ठुर है या माँ बच्चे को प्रेम नहीं करती, नहीं नहीं, प्रेम है तभी उसकी खामियों को निकालने के लिए माँ कृपा करती है। ऐसे ही माताओं की माता, पिताओं के पिता, वो सतगुरु अपने शिष्यों के खोट को निकालने के लिए कई बार अपने भक्तों की परीक्षा के लिए, अपने भक्तों की साधना, उनकी उन्नति, भक्ति, प्रेम, विश्वास बढ़ाने के लिए भी कई बार गुरुदेव ऐसा करते हैं। सत्संग करते करते अचानक एक सदगुरु उठ करके नाराज होके चले गए। वो नाराज होने का भी अभिनय करते हैं, भीतर से वो नाराज होते नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं है। उनके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शैली सिर्फ और सिर्फ भक्तों के उत्थान के लिए। शिष्यों ने सोचा अचानक गुरुदेव नाराज होके कहां चल दिए, पीछे मुड़कर के सबकी ओर कड़क नजर से देखते हुए कहा कि खबरदार, अगर कोई भी आगे आया तो। कई बार
बार हमने अपने गुरुदेव को शिष्यों पर नाराज होते हुए देखा है, पर वो किसके लिए नाराज होते हैं? हमारे ही कर्म है। कोई ना कोई भाते नहीं है उनको, कोई माता पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, ऐसे ही सदगुरु भी अपने शिष्यों का अहित नहीं चाहते, पतन नहीं चाहते, उनका उत्थान उनका कल्याण के लिए गुरुदेव को ये सब करना पड़ता है। वो हमारे गुरु हैं। डांट लगाई कड़क आंखों से दिखाते हुए कोई नहीं आएगा, और गुरुदेव अचानक से कहीं गायब हो गए, कहां गए पता ही नहीं चला। सप्ताह महीना 15 दिन तक साधक ढूंढते रहे, गुरुदेव गए तो कहां गए, कहां गए, कहां बैठ गए। गुरु भी दूर सुदूर ऐसी जगह पर जाकर के जहां उनको कोई जानता नहीं था, ऐसे एकांत में जाकर के। और एक भक्त उसकी कुटिया में उसने बनाई थी, वहां अंदर बैठ गए और चारों तरफ कांटों की बाड़ लगवा दी, भीतर से कुंडी लगवा दी और बाहर बोर्ड लगवा दिया कि इधर जो भी आएगा और इस बाड़ को हटा के और इसके कुटिया के भीतर प्रवेश करेगा वो मेरे कोप का भाजन बनेगा, कोई ना आए। बोर्ड भी लगा दिया। उस दिन तक तो पता ही नहीं चला, पर कहीं ना कहीं से पता चला। और वो जो साधक थे, वो साधक अपने गुरु भाई जो आश्रम में रहते थे, ऐसे उस गुरु भाई से कहते हैं कि गुरुदेव कहां गए, गुरुदेव को ले आओ। जैसे आप सब साधक, हम सब आश्रम में रहने वाले भाई, आप सब जो रहते हैं सब एक ही सबकी भावना कि गुरुदेव को ले आओ, गुरुदेव जल्दी आ जाए हम सब के बीच में, यही भावना रहती है, यही सबकी पुकार है, यही सबका मूल मंत्र हो गया, बापू जी कब आएंगे। वो गुरु जी एकांत में चले गए और जो आश्रम में रहने वाले भाई वो साधकों की आंखों में बहते हुए अश्रु धाराओं को देखते मन ही मन गुरुदेव के सामने प्रार्थना करते कि गुरुदेव आप इनकी प्रार्थना सुन लीजिए, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आके गुरुवर जी मेरी बांह थाम लो। ऐसी भी का हमसे गलती हो गई, जो दूर हमसे आप हो गए, अब आ जाओ। तभी किसी को पता चला कि गुरुदेव तो अमुक स्थान पर एक कुटिया में एकांत में है। और सब साधक गए वहां पर कुटिया के चारों तरफ, लेकिन बोर्ड लगा था कि ये कैसे कोई भी अंदर जाए, गुरुदेव के कोप का कौन भाजन, कौन गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करेगा, कौन शिष्य। सब प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव कुटिया से बाहर आ जाए, दर्शन दे दें, हम अपनी क्षमा मांग लें, हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो। तो तभी उसमें से एक अंतःवासी शिष्य खड़ा हुआ, हाथ में जो है सब्बल होती है खड्डा खोदने वाली, वो सब्बल लेकर के उस बाउंड्री बाल जो बाढ़ की थी उसको क्रॉस करके अंदर गया। साफ लिखा था कि दरवाजा खिड़की ना खोली जाए। तो उस शिष्य ने कहा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे गुरुदेव नाराज भी ना हो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी हो जाए और गुरुदेव का दर्शन सबको हो जाए। दूसरी तरफ जाकर और दीवार को तोड़ने लगा, थोड़ा सा ही दीवार तोड़ा, सुराख किया, उसमें देखा कि अंदर गुरुदेव ध्यानस्थ है। ध्यान मंदिर में ध्यानस्थ है, एक तेज पुंज एक प्रकाश पुंज गुरुदेव के चारों तरफ ध्यान अवस्था में गुरुदेव है। बड़े होले होले धीरे धीरे से दीवार तोड़ करके शिष्य भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके गुरुदेव तो ध्यान में थे, दंडवत प्रणाम किया गुरु को, गुरुदेव समाधि में थे और अहोभाव से प्रार्थना करते करते गुरु के चरणों में अपना मत्था टक रख करके और जो है तो रोने लगा। पलकों से अपने से जी सजाऊं,
उसकी आंखों से अश्रुधार बही और शीतल शीतल आंसू, संसार के लिए आंसू निकलते हैं ना, वो गर्म होते हैं, पीड़ा देने वाले कष्ट, लेकिन विरह में भगवान की याद में, सदगुरु की याद में अगर शिष्य रोता है तो आंखें शीतल आंसू होते, तपाने वाले नहीं, बल्कि सदगुरु की याद में विरह में गुरु को याद करने, जैसे शिष्य की आंखों से अश्रुधारा बही, मानो शिष्य ने अपने गुरु के चरण पखारे आंसुओं से, और मन ही मन मानो हृदय से कह रहा है कि गुरुदेव मैं आया हूं आपके चरणों में, और मैं अपने को तो मना लूं, अपने को तो समझा लूं, लेकिन उन सब भक्तों की आंखों में जो आंसू है वो मुझसे नहीं देखे जाते, वो रोते हैं, विलखते हैं, तड़पते हैं आपकी याद में, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा तो की है, आपने कहा था कोई नहीं आएगा, फिर भी मैं आया। ऐसी मनी मन प्रार्थना कर रहा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, तभी ठंडी ठंडी शीतल आंसू गुरु के चरण पर पड़े, गुरुदेव की आंख खुली, देखा कि शिष्य दंडवत प्रणाम किए हुए है, तभी गुरुदेव ने अभिनय करते हुए गुस्से का भाव दिखाते हुए कहा कि तुम कैसे आए भीतर, मैंने तुम्हें मना किया था, अंदर कैसे आए तुम। शिष्य ने हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव क्षमा करना, आया हूं पर अपने लिए नहीं, आपकी आज्ञा का भी मैंने लाज रखी है, मैंने द्वार नहीं खोले, मैंने खिड़की भी नहीं खोली, इशारा करते हुए कहा कि आपके वचनों की अवज्ञा ना हो, आपके वचन झूठे ना हो, इसलिए दीवार को तोड़ करके आया हूं, क्योंकि मुझे उन सब साधकों के जो आपको चाहते हैं उनकी आंखों के आंसू नहीं देखे गए, मैं आ गया हूं पर आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, इसलिए फिर भी जो आप सजा देंगे मुझे स्वीकार है, पर चलिए भक्तों को दर्शन दीजिए। गुरु ने देखा कि द्वार नहीं खुला, खिड़की नहीं खुली, दीवार को तोड़ करके आया है, आज्ञा तो रखी है, और अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं, उन सब की विरह वेदना जो उनसे देखी नहीं गई उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। गुरु हम पे तभी रिझते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके जब परमार्थ के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देवी कार्य सेवा कार्य करते हैं, उससे ही गुरु रिझते हैं। शिष्य भी गुरु के चरणों में प्रार्थना करने लगा, आंसुओं से चरण गुरु के धो, आंचल से मैं पंख झूलाऊं, आ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके अपना दर्श दिखाओ, आके अपना दर्श दिखाओ। पुकारते जाएं हम भी कैसे रिझाएं अपने गुरुदेव को, हम भी कैसे मनाएं अपने गुरुदेव को, कि हमारे गुरुदेव हम सबके बीच में आके सब साधकों को सब भक्तों को जल्दी से दर्शन हो जाए। हमारे पास रिझाने के लिए और कुछ नहीं, बस हृदय पूर्वक हम पुकारें, और हृदय की पुकार ही हृदयेश्वर तक, सर्वेश्वर तक, सदगुरु तक पहुंचती है, इसलिए रिझाइए। सिमरन भजन से तो है रिझाऊं, ऐसी भक्ति की शक्ति मांगूं, हो सुमरन भजन से तो हेरी जाऊं, ऐसी भक्ति
की शक्ति मांगू, तुझ बिन मेरा कौन सहाई, इस निमाने को पारी लगाओ। आ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके अपना दर्श दिखाओ, आके अपना दर्श दिखाओ। आ मेरे सतगुरु हृदय में समाओ, आके जल्दी आश्रम।